हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आप सब प्रोडक्शन हाउस के मंच पर। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कंपैरिजन की, करेंगे गुजरात और मुंबई का कंपैरिजन, देखेंगे भैया कौन सी टीम किस टीम पर भारी पड़ रही है और कौन से प्लेयर किस प्लेयर पर भारी पड़ रहे हैं। तो दोस्तों ये वीडियो ना बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली, कहीं ना कहीं आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी ये वीडियो। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखिए, मज़ा आएगा। तो दोस्तों ये जो मैच है गुजरात और मुंबई के बीच में खेला जाने वाला है और जो गुजरात की पिच पे ही ये मैच खेला जाएगा, मतलब गुजरात के होम ग्राउंड पे ही ये मैच खेला जा रहा है। गुजरात की तरफ से आपको पहले नंबर पर रिद्धिमान शाह खेलते हुए नजर आएंगे और वहीं मुंबई की तरफ से आपको रोहित शर्मा खेलते हुए नजर आएंगे। अगर रिद्धिमान शाह की करंट परफॉर्मेंस की बात करूँ भैया, आप कह सकते हो कि ठीक ठाक ही खेल रहे हैं, आईपीएल और इंटरनेशनल काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। लेकिन भैया शर्मा जी की लौंडे की बात करूँ तो भैया बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं और आईपीएल और इंटरनेशनल का जो इनका एक्सपीरियंस है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त है। तो भैया यहाँ पर जो मैं पॉइंट दूंगा ना वो दूंगा भैया किसको, शर्मा जी के लौंडे को। शर्मा जी का लौंडा भैया एक पॉइंट तो ले गया, लेकिन भैया आपको भी अगर पॉइंट चाहिए या फिर कुछ कमाल करना है आज के मैच में तो भैया आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा द स्पोर्ट प्रिंस कंसल्टेंसी। भैया इस ऐप को आप डाउनलोड करके जान सकते हो कौन सी टीम आज का मैच अपने नाम पर कर सकती है, सिक्का किसके पाले में गिरेगा, कौन सा बल्लेबाज आज अच्छे रन मारेगा, कौन सा गेंदबाज अच्छी विकेट निकालेगा, 5, 10, 15 ओवर में कितने रन बन सकते हैं। साथ साथ इनका व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया है, आप इनको ये सारी चीज़ें ना व्हाट्सअप करके भी पूछ सकते हो। भैया अगर आप बताते हो कि हम अफसा प्रोडक्शन हाउस की तरफ से आए तो बहुत ही अच्छे अच्छे ऑफर भी आपको मिल जाएंगे, लिंक हमने दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर इस ऐप को डाउनलोड कर लो तुरंत। दूसरे नंबर पर आपको गुजरात की तरफ से खेलते हुए नजर आएंगे शुभमन गिल, वहीं पर मुंबई की तरफ से आपको खेलते हुए नजर आएंगे ईशान किशन। अगर भैया शुभमन गिल की करंट परफॉर्मेंस की बात करूँ तो बहुत ही अच्छी लय में नजर आ रहे हैं, आईपीएल और इंटरनेशनल जो इनका एक्सपीरियंस वो भी बहुत ही जबरदस्त है। ईशान किशन की अगर मैं बात करूँ भैया ये भी काफी अच्छी लय में नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी पिछला मैच इनका कुछ खास नहीं गया था, लेकिन आईपीएल और इंटरनेशनल जो इनका एक्सपीरियंस है वो भी बहुत ही जबरदस्त है। लेकिन भैया यहां पर मैं जो पॉइंट दूंगा ना वो दूंगा भैया शुभमन गिल को, क्योंकि ये खिलाड़ी इस टाइम भैया लाजवाब है, जो सिचुएशन होती है टीम की उस हिसाब से ये खिलाड़ी खेलता है, तो भैया एक पॉइंट इसी खिलाड़ी को जाता है। तीसरे नंबर पे आपको गुजरात की तरफ से खेलते हुए नजर आएंगे भैया साई सुदर्शन, या फिर हो सकता है आज के मैच में ना खेले, अगर नहीं खेलते हैं तो उसकी जगह विजय शंकर आपको खेलते हुए नजर आ सकते हैं। वहीं भैया मुंबई की तरफ से आपको खेलते हुए नजर आएंगे कैमरोन ग्रीन। अगर मैं भैया साई सुदर्शन की करंट परफॉर्मेंस की बात करूँ तो भैया जो इनकी करंट परफॉर्मेंस है आप किसको भैया ठीक ठाक चल रही है, आईपीएल का जो इनका एक्सपीरियंस वो भी बहुत ही अच्छा है, इंटरनेशनल मैचेस इन्होंने नहीं खेले हैं अभी तक। लेकिन भैया अगर वहीं बात करी जाए कैमरोन ग्रीन की तो भैया बहुत ही ज़्यादा अच्छी लय में नजर आ रहे हैं, रोज खा रहे हैं पालक और ये अपनी सेहत बना रहे हैं, उसी के साथ ही भैया चौके छक्के भी लगा रहे हैं, तो भैया बहुत ही अच्छी लय में नजर आ रहे हैं। आईपीएल का जो इनका एक्सपीरियंस वो भी बहुत ही ज़बरदस्त है, इंटरनेशनल का जो इनका एक्सपीरियंस है वो भी काफ़ी अच्छा खासा, तो भैया ये सारा एक्सपीरियंस काम आ रहा है कैमरोन ग्रीन के। तो भैया जो मेरा यहाँ पर पॉइंट जाएगा वो इसी खिलाड़ी को जाएगा। चौथे नंबर पे आपको गुजरात की तरफ से खेलते हुए नजर आएंगे भैया हार्दिक पांड्या और वहीं पर आपको मुंबई की तरफ से खेलते हुए नजर आएंगे स्काई, मतलब सूर्य कुमार यादव। अगर मैं हार्दिक पांड्या की करंट परफॉर्मेंस की बात करूँ तो भैया काफ़ी अच्छा खेल रहे हैं अपनी टीम के लिए, आईपीएल और इंटरनेशनल काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है इनके पास। वहीं भाई बात करूँ स्काई बल्लेबाज की तो ये भी बहुत ही अच्छी लहर में नजर आ रहे हैं, पिछले दो मैचों में इन्होंने भैया बहुत ही अच्छा कारनामा किया है, उससे पहले मैचों में काफ़ी आउट ऑफ फॉर्म नजर आते, लेकिन मुझे लग रहा है भैया इनकी फॉर्म वापस आ चुकी है, अब ये हो गए हैं फायर और भैया इनकी जो आईपीएल और इंटरनेशनल का जो इनका एक्सपीरियंस है वही काम आ रहा है। भैया यहाँ पर भैया दोनों ही खिलाड़ी ना बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही औसम है, जो खिलाड़ी जिस दिन चल जाएगा ना भैया समझ लो उस टीम की बल्ले बल्ले है, और जो सामने वाली टीम रहेगी भैया उसका समझो दिवाला निकल जाएगा। अगर वहीं बात करें भैया गुजरात की तरफ से आपको पांचवें नंबर पे खेलते हुए नजर आएंगे अभिनव मनोहर और वहीं पर आपको मुंबई की तरफ से खेलते हुए नजर आएंगे तिलक वर्मा। अभिनव मनोहर की अगर करंट परफॉर्मेंस की बात की जाए भैया बहुत ही अच्छी लय में नजर आए, आईपीएल का जो इनका एक्सपीरियंस है वो भी आप कह सकते हो भैया ठीक ठाक ही है, इंटरनेशनल मैचों का भी कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूँ भैया तिलक वर्मा की करंट परफॉर्मेंस की भैया औसम है, भैया औसम जिसे कहते हैं, बहुत ही अच्छी लय में नजर आ रहे हैं, आईपीएल का जो इनका एक्सपीरियंस है वो भी बहुत ही अच्छा है, इंटरनेशनल मैचेस का भी कोई भी एक्सपीरियंस इनके पास नहीं है। लेकिन भैया यहां पर तिलक वर्मा भारी नजर आ रहे हैं अभिनव मनोहर से, तो भैया यहां पर जो मेरा पॉइंट जाएगा वो जाता है तिलक वर्मा को। छठे नंबर पर आपको गुजरात की तरफ से खेलते हुए नजर आएंगे डेविड मिलर और वहीं पर मुंबई की तरफ से आपको खेलते हुए नजर आएंगे टिम डेविड। डेविड मिलर की अगर करंट परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूँ तो भैया अच्छी लय में नजर आ रहे हैं, आईपीएल और इंटरनेशनल का जो उनका एक्सपीरियंस है वो भी बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही शानदार है, अपनी टीम के लिए बहुत ही अच्छा कर भी रहे हैं इस टाइम। वहीं मैं बात करूँ भैया टिम डेविड की तो ये भी बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं, जो उनका करंट परफॉर्मेंस आप कह सकते हो भैया ठीक ठाक है, लेकिन इनका भरोसा नहीं तो भैया किस मैच में चल जाए किस मैच में
ना चले। आईपीएल और इंटरनेशनल का जो इनका एक्सपीरियंस है वो भी बहुत ही ज्यादा लाजवाब है। लेकिन भैया जो यहाँ पर मैं पॉइंट देने वाला हूँ वो देने वाला हूँ किसको, डेविड मिलर को, क्योंकि भैया ये बहुत ही सूझबूझ के साथ खिलाड़ी खेलता है। जब पिच पर आता है तो सिचुएशन को समझता है, क्या चल रहा है मैच में उस हिसाब से खिलाड़ी खेलता है। तो भैया यहाँ पर जो मेरा पॉइंट जाएगा वो इसी खिलाड़ी को जाएगा। सातवें नंबर पे आपको गुजरात की तरफ से खेलते हुए नजर आएंगे भैया राहुल तेवतिया। वहीं पर मुंबई की तरफ से आपको खेलते हुए नजर आएंगे ऋतिक शौकीन, जो भैया बहुत ही शौकीन है विकेट निकालने के। राहुल तेवतिया की अगर भैया करंट परफॉर्मेंस देखी जाए तो बहुत ही अच्छी लय में नजर आ रहे हैं। आईपीएल का जो इनका एक्सपीरियंस है वो भी बहुत ही अच्छा है, लेकिन इंटरनेशनल मैच कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है इनके पास। वहीं मैं बात करूं भैया ऋतिक शौकीन की तो बहुत ही अच्छी लय में नजर आ रहे हैं, और वहीं पर इनका जो आईपीएल का एक्सपीरियंस है वो भी ठीक ठाक ही है। इंटरनेशनल मैचों का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन भैया ये खिलाड़ी ना जबरदस्त है। इनके पास जो पावर है वो पावर है भैया ऋतिक रोशन की। तो भैया ये खिलाड़ी ना हर मैच में एक दो विकेट निकाल लेता है इस पावर से। तो भैया जो मेरा पॉइंट जाएगा वो इसी खिलाड़ी को जाएगा। आठवें नंबर पे आपको खेलते हुए नजर आएंगे गुजरात की तरफ से राशिद खान, जो खाते हैं बहुत सारे पान। और वहीं पर मुंबई की तरफ से आपको खेलते हुए नजर आएंगे जोफ्रा, जिनके पास है आर्चर। करामाती खान की अगर बात की जाए करंट परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी नजर आ रही है, और भैया जो इनका आईपीएल और इंटरनेशनल जो एक्सपीरियंस है वो भी बहुत ही अच्छा है। हर मैच में किसी में दो विकेट किसी में चार विकेट चटकार है। मतलब भैया इनके सामने जो बल्लेबाज पड़ जाता है भैया उसके मुंह पर पान खाकर थूक देते हैं। तो भैया हर मैच में विकेट निकाले। अगर मैं वही बात करूं भैया जोफ्रा आर्चर की, ये खिलाड़ी भी बहुत ही जबरदस्त है, और भैया जो इनका करंट परफॉर्मेंस है आप कह सकते हो भैया ठीक ठाक है। आईपीएल और इंटरनेशनल का जो इनका एक्सपीरियंस है ना वो भी बहुत ही जबरदस्त है। इनके पास भी एक आर्चर है जिससे ये निशाना लगाते हैं और सामने वाले बल्लेबाज को क्रीन बोल्ड मारते हैं, मतलब आउट कर देते हैं। लेकिन भैया राशिद खान इस टाइम बहुत ही ज्यादा अच्छे साबित हो रहे हैं अपनी टीम के लिए, तो जो मेरा एक पॉइंट जाएगा ना वो भैया इसी खिलाड़ी को जाएगा। नौवें नंबर पे आपको गुजरात की तरफ से खेलते हुए नजर आएंगे मोहम्मद समी। वहीं पर आपको मुंबई की तरफ से खेलते हुए नजर आएंगे एक नया खिलाड़ी, नया चेहरा, जिसका नाम है अर्जुन तेंदुलकर। तो भैया अगर मोहम्मद समी की बात करूं तो भैया जो इनकी करंट परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी है, आईपीएल इंटरनेशनल का जो इनका एक्सपीरियंस है ना वो भी बहुत ही अच्छा है। इनके सामने जो भी बल्लेबाज आता है ना भैया तंबाकू में जैसे चूना लगाते हैं ना वैसे ही चूना लगाकर उसको पवेलियन वापस भेज देते हैं। वहीं मैं बात करूं भैया अर्जुन तेंदुलकर की, तो भैया इनकी करंट परफॉर्मेंस आप कह सकते हो भैया ठीक ठाक है। जो इनका आईपीएल का एक्सपीरियंस है आप कह सकते हो भैया अभी दो चार ही मैच इन्होंने खेले हैं, इंटरनेशनल मैचों का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन भैया इनके पास मोहम्मद समी जैसा ना एक्सपीरियंस नहीं है। पिछले मैच में एक ओवर में इनको 31 रन भी पड़ गए थे, हो सकता है इस बार खौफ में नजर आएंगे। तो भैया यहां पर जो मैं पॉइंट दूंगा ना भैया वो दूंगा भैया किसको, मोहम्मद समी को। तेंदुलकर भैया आप थोड़े से और मैचेस खेलो, उसके बाद मैं आपको पॉइंट जरूर दूंगा जब मुझे लगेगा कि भैया आप उस काबिल हो चुके हो। 10वें नंबर पे आपको गुजरात की तरफ से खेलते हुए नजर आएंगे अल्जारी जोसेफ। वहीं पर मुंबई की तरफ से पीयूष चावला। अल्जारी जोसेफ की करंट परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं भैया अच्छी लय में नजर आ रहे हैं। आईपीएल और इंटरनेशनल का जो इनका एक्सपीरियंस है वो भी काफी अच्छा खासा है। वहीं मैं बात करूं भैया पीयूष चावला की, तो भैया बहुत ही अच्छी लय में नजर आ रहे हैं। हर मैच में भैया कमाल कर रहे हैं, हर मैच में एक दो विकेट निकाल ही लेते हैं। आईपीएल और इंटरनेशनल का जो इनका एक्सपीरियंस है ना भैया समझ लो कूट कूट कर भरा है। बहुत ही ज्यादा वक्त बिताया है क्रिकेट के ग्राउंड पे पीयूष चावला, तो एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा खासा इनके पास है। वही एक्सपीरियंस भैया इनके काम भी आता है, सेट बल्लेबाज को भी भैया चलता कर देते हैं ये। तो भैया यहां पर जो मेरा पॉइंट जाएगा ना वो पीयूष चावला को ही जाता है। 11वें नंबर पे आपको गुजरात की तरफ से खेलते हुए नजर आएंगे मोहित शर्मा। वहीं पर आपको मुंबई की तरफ से खेलते हुए नजर आएंगे जैसन बैरनड्रॉफ। मोहित शर्मा की करंट परफॉर्मेंस की बात करूं भैया बहुत ही अच्छी लय में नजर आ रहे हैं। आईपीएल और इंटरनेशनल का जो इनका एक्सपीरियंस है वो भी भैया कमाल का है, धमाकेदार है। लेकिन भैया जैसन बैरनड्रॉफ किसी से कम नहीं है, वो भी अपनी टीम के लिए बहुत ही अच्छा कर रहे हैं इस टाइम। और जो आईपीएल और इंटरनेशनल का जो इनका एक्सपीरियंस है ना भैया बहुत ही ज़बरदस्त है। तो भैया यहाँ पर जो मेरा पॉइंट जाएगा ना भैया वो जाता है इसी खिलाड़ी को। ये खिलाड़ी बहुत ही औसम है, खिलाड़ी दोनों ही औसम है, लेकिन मोहित शर्मा से अच्छा खिलाड़ी मुझे ये लगता है। मेरे हिसाब से जो पॉइंट मैं दे रहा हूँ वो इसी को दे रहा हूँ। बाकी आपको क्या लगता है भैया कौन सा खिलाड़ी इन दोनों में से बढ़िया है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। अब बात करें भैया इम्पैक्ट प्लेयर की, तो गुजरात की तरफ से दो खिलाड़ी हो सकता है आपको दिखाई दे इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में। एक तो भैया है विजय शंकर और दूसरा है नूर अहमद। अगर साई सुदर्शन नहीं खेलते हैं तो भैया विजय शंकर उनकी जगह पर खेलेंगे, नहीं तो फिर उसके बाद नूर अहमद ही इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में आपको नज़र आ सकते हैं।
और मुंबई की तरफ से आपको खेलते हुए नजर आएंगे निहाल वधेरा। विजय शंकर की करंट परफॉर्मेंस की बात को भैया ठीक ठाक कह सकते हो आप लोग। आईपीएल का भी इनको एक्सपीरियंस काफी अच्छा है, इंटरनेशनल मैचों का भी एक्सपीरियंस काफी अच्छा है। और वहीं पर जो नूर अहमद है भैया, उनकी जो करंट परफॉर्मेंस वो भी बहुत ही लाजवाब है। हालांकि अभी इन्होंने आईपीएल के कुछ भी मैचेस नहीं खेले हैं, इंटरनेशनल का जो इनका एक्सपीरियंस है आप कह सकते हो भैया एवरेज है। वहीं मैं बात करूं भैया निहाल वधेरा की, तो जो इनका करंट परफॉर्मेंस है वो भैया एवरेज ही कह सकते हो आप लोग। आईपीएल और इंटरनेशनल का कोई भी एक्सपीरियंस इनके पास नहीं है। तो यहां पर भैया जो दोनों इंपैक्ट प्लेयर गुजरात के हैं ना, वो मुझे ज्यादा अच्छी लय में नजर आ रहे हैं। तो भैया जो मेरा पॉइंट जाएगा वो इन्हीं खिलाड़ियों को जाता है। तो भाई लोगों, हमने कर लिया है दोनों टीमों का कंपैरिजन। अगर आपने पॉइंट जोड़ा हो तो बताओ भैया कितने पॉइंट हो गए। मुझे लगता है आप शायद थोड़ा सा मिस हो गए हो, पॉइंट जोड़ने में आपका ध्यान नहीं रहा होगा। तो लेकिन भैया मैं आपको बता देता हूं किसको मिले हैं कितने पॉइंट, कौन सी टीम कर रही है लीड। गुजरात को मिले हैं भैया 5 पॉइंट, वहीं पर भैया मुंबई को भी मिले हैं 5 पॉइंट। मतलब ये मुकाबला हो गया है बराबरी का, ये हो गया है मुकाबला टाई। अब भैया कौन सी टीम अपने नाम पर कर सकती है आज का मैच, क्या होगा आज के मैच में? तो भैया अगर ये आपको जानना है तो हमारे टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन कर लो, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि भैया कि आज का जो मैच है कौन सी टीम अपने नाम पर कर सकती है, सिक्का किसके पाले में गिरेगा, कौन से खिलाड़ी अच्छे रन मारेगा, कौन सा गेंदबाज अच्छी विकेट निकालेगा। जो लिंक हमने दे रखा है वो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाओगे तो वहां पर भी आपको लिंक मिल जाएगा। बाकी और कहीं से अप्सा प्रोडक्शन हाउस का जो टेलीग्राम का चैनल है वो ज्वाइन नहीं करना, क्योंकि भैया फेक बहुत हो रहा है इस टाइम मार्केट में। तो भैया फेक से बचें और जो हमने लिंक दे रखा है उसी लिंक से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। और बाकी भैया आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। बाकी दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।